अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पेश करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर आपको पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मेरा बनाया हुआ पसंद आता है तो आप परचेज करने के लिए रابطہ कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने पहले से परचेज किया हुआ है और उन्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू رابطہ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम पॉइंट ऑफ सेल से रिलेटेड जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपना डाटा इंसर्ट करेंगे और टाइम टू टाइम हम अपने डाटा को कैसे मैनेज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर। मैं यहाँ पर रन करता हूँ। रन करने पर हमें ये रजिस्ट्रेशन का कहता है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन पुट करें, जो कि मैंने यहाँ पर कोड्स बनाए हुए हैं। वो कोड एंटर करने पर हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन की है, मेरे पास सबसे पहले यूज़र इंसर्ट करने के लिए ये विंडो आ गई है कि आप अपना यूज़र क्रिएट करें और फिर आगे बढ़ जाएं। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपना नेम और पासवर्ड मैं लिख लेता हूँ कोई भी फर्जी सा। इसी तरह ईमेल एड्रेस मैं लिख लेता हूँ। यूज़र आईडी मैं सिंपल सा बनाता हूँ जिसकी मदद से मैं लॉगिन करूँगा। तो आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रख सकते हैं ताकि कोई थर्ड पर्सन आपकी एक्टिविटी ना कर सके और उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क हो। तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक मैंने लगाया हुआ है कि लास्ट फोर कैरेक्टर्स ऑफ योर सीएनआईसी। आप अगर इनमें कोई भी और अपना ऐड करना चाहते हैं तो वो आप टाइप करते हुए अपना आंसर दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ। 1 2 3 4 मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फर्जी नंबर मैंने ऐड किया है। और टाइप या राइट्स आप इसे कह सकते हैं कि कौन से होंगे इस यूज़र को। तो मैं इसे एडमिन कर देता हूं। आपने फर्स्ट यूज़र जो भी क्रिएट करना है वो एज एडमिन होना चाहिए, उसे आपने एडिटर के तौर पे नहीं रखना। इसी तरह अगर आप पिक्चर शो करना चाहते हैं अपनी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आप पिक्चर अटैच कर लेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और ये पिक्चर मैं अटैच कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसे सेव कर देंगे। हमारा ये यूज़र क्रिएट हो गया। अगर कोई भी दूसरा यूज़र आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे क्रिएट करते हुए सेव कर सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास ऑप्शंस हैं न्यू का। न्यू जाहिर बात है हमारे पास यहाँ पे पहले से ही विंडो मौजूद है। अगर हमें एडिट करना हो तो हम यहाँ पर एडिट करेंगे, और किसी भी चीज़ को अगर हमें अपडेट करना है तो वो हम ईज़ीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारा ये रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हमें ये यूज़र डिलीट करना है तो हम सिंपली डिलीट के ऊपर क्लिक करते हुए डिलीट कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास प्रिविलेजेस का ऑप्शन है जिसमें हम अपने यूज़र को एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं रिगार्डिंग आवर फंक्शंस। जैसे कस्टमर के फंक्शन जो हैं उनमें उसे क्या क्या चीज़ हम ग्रांट करना चाहते हैं। जैसे अगर हम चाहते हैं कि कस्टमर वो ऐड ना कर सके, पेमेंट रिसीव ना कर सके वगैरह वगैरह, तो इनमें से जो भी फंक्शन आप डिसेबल करेंगे या अनचेक करेंगे तो उसकी एक्सेस जो है आपके यूज़र को ग्रांट नहीं की जाएगी। इसी तरह आप अगर यूज़र चेंज करना चाहें तो आपको यहाँ पे कम्बो बॉक्स दी गई है। अगर फ़िलहाल तो मेरे पास यहाँ पे आफ्ताब है, अगर कोई दूसरा होता तो वो आप यहाँ पे प्रिविलेजेस में जाके चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ शहीरुल हसन, और मैं इसका यूज़र आईडी बनाता हूँ एडमिन टू। सॉरी, ये ईमेल एड्रेस है shaheer@gmail.com admin2। इसमें भी मैं सेम वही करता हूँ, टाइप एडमिन, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर हम आ जाएँ प्रिविलेजेस के ऊपर तो मैंने शहीरुल हसन ओपन किया है। अगर मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे और प्रिविलेजेस के ऊपर क्लिक करते हुए अपने उस रिकॉर्ड के अगेंस्ट जिसे हम एडिट करना चाहते हैं या जिसे हम एक्सेस ग्रांट करना चाहते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप मेरे पास आफ्ताब आ गया है। तो मैं इसे क्लोज करता हूं और आगे बढ़ते हैं यस करते हुए। मैं यहां पे लिखता हूं admin2 1 2 3, और मैंने यहां पे लॉगिन कर लिया है शहीरुल हसन के अकाउंट से। तो ये हमारा डैशबोर्ड है जिसके ऊपर कुछ बटन्स मौजूद हैं, जैसे कस्टमर हमें अगर ऐड करना है, प्रोडक्ट ऐड करनी है, एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे क्विक नेविगेशन है कि हम
क्विकली अगर कोई भी चीज़ ऐड करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अलग अलग से टैब्स हैं, जैसे कस्टमर है तो उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो यहाँ पे मौजूद है, इम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर्स वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है, यू आर कंपनी नेम हेयर। जब हम ऐड कर लेंगे अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन तो वो हमारे पास यहाँ पे शो होगी। सेटिंग्स के अंदर आके मैं यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन पहले ऐड करता हूँ। इसी तरह और भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें पहले ऐड करनी होती हैं ताकि हम फ्यूचर में जाके अपनी सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेरिटरी है, ठीक है, टेरिटरी हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो पहले ऐड करेंगे। कंपनी की इन्फॉर्मेशन हमें पहले लिखनी होगी। अकाउंट्स टाइप हैं, ये भी हमें अगर पहले हम ऐड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अपना कंपनी नेम कोमी स्पोर्ट्स, ठीक है। ईमेल, वेब पेज, ओनर नेम वगैरह ये हो गए, फाउंडिंग डेट हो गई, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं। अलबत्त प्रिंट मेथड में आपने ये चीज़ ज़रूर चूज़ करनी है कि आप प्रिंटिंग किस पेपर के ऊपर करना चाहते हैं। आपकी जो बिल, आपके जो बिल्स होंगे, ठीक है, स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि जो आपके बिल्स हैं, तो मैं यहाँ पर इसे नॉर्मल कर देता हूँ। थर्मल भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो आप सिंपली थर्मल चूज़ कर लेंगे और आपकी जितनी भी प्रिंटिंग है वो फिर थर्मल पेपर साइज़ के हिसाब से होगी। इसी तरह टेरिटरी में अगर हम देखें तो जनरल रूट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, आप अपने रूट्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे मैं कर देता हूँ सर्कुलर रोड, सिविल हॉस्पिटल, तो ये हमारे रूट्स होंगे, हमारी टेरिटरी होगी। हम अपने सेल्समैन को या बुकर को या जो हमारा रिकवरी का पर्सन होगा उसे जब हम भेजेंगे तो इसी रूट के हिसाब से ही हम उन्हें सेंड करेंगे कि आप वहाँ से रिकवरी कर लें या माल उठा लें या पहुँचा दें वगैरह वगैरह। तो ये हो गया हमारे पास। इस तरह अकाउंट टाइप्स हैं कि आपके अकाउंट्स किस किस्म के हैं, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज़, अगर कोई और टाइप आपके पास है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर ली है। डैशबोर्ड के ऊपर आके मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ फॉर रिफ्रेश और ये हमारे पास रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास लोगो आएगा जो कि मैंने अभी अभी अपलोड नहीं किया, ठीक है। आप अपलोड करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और आपकी तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर भी आ जाएगा जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम आते हैं कस्टमर्स के ऊपर और यहाँ पे मैं कस्टमर्स के ऊपर क्लिक करते हुए मेरे पास यहाँ पे बटन है प्लस का या इसकी शॉर्टकट है Alt N। तो जब हम Alt N प्रेस करेंगे हमारे पास न्यू विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर हम अपने कस्टमर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसी से ही रिलेटेड हमारे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं पहले भी बताता रहा हूँ कुछ वीडियोस में कि आपके पास एक रिकॉर्ड अगर मैनुअल इंसर्ट हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसी को ही फॉलो करते हुए आप आगे अपने रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी टेबल को पहले एक्सपोर्ट करें, ठीक है। एक्सपोर्ट करने पर आपको एक्सेल की एक शीट मिल जाएगी, उस एक्सेल की शीट के अंदर आपको डेटा टाइप्स या फॉर्मेट्स वगैरह जो है वो मिल जाएगा कि आपने किस तरह से अपना डेटा पुट करना है। तो इस मकसद के लिए सबसे पहले तो मैं एक कस्टमर ऐड कर लेता हूँ। आईडी हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 हमारी पहली आईडी है। अगर आप 1 से स्टार्ट नहीं करते, आपके पास कोई और फॉर्मेट है, जैसे मैं 1001 से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो 1001 हमारे पास ऐड हो जाएगी और फिर इसके बाद जो है वो हमारा 1002 नंबर स्टार्ट होगा, ये आपने याद रखना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, अकाउंट टाइप हमारे पास कस्टमर है तो इसमें मैं एड्रेस लिखता हूँ बाजार कोपावाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी टेरिटरी आ चुकी है। अब ये हमारा कस्टमर भी उसी टेरिटरी में फॉल करेगा, हमारा एम्प्लॉय या जो सेल्समैन होगा वो भी। तो इस तरह से हमारी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी आसान होंगी कि हम उसी कंसर्न जो भी टेरिटरी होगी उसके साथ अपने लेन देन जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ सिविल सर्कुलर रोड कर देता हूँ और यहाँ पे नंबर होगा जो भी मोबाइल नंबर है वो हम लिखेंगे। ईमेल, ओपनिंग बैलेंस अगर है तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास पहले से काम कर रहा है, हमारे साथ इसका लेन देन चल रहा है और हम अपना सॉफ्टवेयर अभी लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर बात है उसके ड्यूज़ अगर हैं, ठीक है, अगर इसके नहीं है तो किसी और के होंगे या आपने देने होंगे या उसने देने होंगे आपको,
तो वो सारे का सारा आप डाटा इसमें पुट करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि इसने मुझे देने हैं 15,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे करूँगा आई विल रिसीव, वो मुझे देगा तो मैं ये कहूँगा कि मैं उससे वसूल करूँगा। अगर मुझे देने हैं तो मैं यहाँ पे करूँगा आई विल पे, और ये माइनस में हमारी वैल्यू जो है आ जाएगी। मैं करता हूँ आई विल रिसीव, मुझे उससे वसूल करनी है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। हमारा ये रिकॉर्ड ऐड हुआ, और आप देख सकते हैं प्रीवियस आईडी में हमारे पास 1001 आ चुका है, और अब हम इसी सीक्वेंस से ही आगे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे वन टाइप नहीं कर सकता क्योंकि ये जो नंबर है ये हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट में आ जाता है, क्योंकि हमारा लास्ट रिकॉर्ड जो है 1001 है, तो उसी को ही फॉलो करते हुए वो कहता है कि आपका ये नंबर हो सकता है एग्जिस्ट हो, क्योंकि हम लास्ट जो हमारी आईडी है वो 1001 है। तो अगर मैं 1002 करता हूँ तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे पास एक कस्टमर ऐड हो गया। अब इस टेबल को हम आएंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ कस्टमर्स या अकाउंट्स होंगे, सॉरी अकाउंट्स की हमारे पास टेबल होगी। मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट हम करेंगे डी के अंदर, ये आप याद रखें डी के अंदर आपने एक्सपोर्ट करना है। नाम इसी तरह यही रखना है, चेंज नहीं करना, कोई भी फॉर्मेट भी आपने चेंज नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 97 2003 वर्कबुक आ रही है, तो बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं होता कि आप ओपन कर लें और उसे सेव एज कर लें, क्योंकि अभी मेरे पास देखें आप फाइल ओपन हो गई है। अगर मैं इसे सेव एज करके कोई लेटेस्ट वर्जन कर लूँ, जैसे एक्सेल वर्कबुक में करता हूँ, तो ज़ाहिर है उसकी एक्सटेंशन भी हमारे पास चेंज हो जाएगी और फिर हम उसे इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो हमारा ये पहला रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के अंदर आप देख सकते हैं हमारी ये फील्ड्स फील्ड हुई पड़ी हैं। आप इसी को फॉलो करते हुए अपने मज़ीद कुछ रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं और फिर उन्हें आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यही चीज़ ऐड कर लेता हूँ सारी की सारी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहम्मद दानियाल, अस्मार हयात खान, ठीक है जी, सॉरी। तो ये हो गए, और इसका एड्रेस है आप देख सकते हैं बाजार तोपा वाला डेरे इस्माइल खान। इसे मैं थोड़ा सा डबल क्लिक करते हुए रिसाइज करता हूँ। तो कंपनी नेम हम नहीं लिखते बल्कि हम कॉन्टैक्ट पर्सन लिख लेते हैं। आप ये चीज़ देखेंगे कस्टमर्स में आके न्यू के ऊपर कि आपके पास कौन सी फील्ड्स कंपल्सरी हैं, कौन सी मैंडेटरी हैं जो आपने फिल करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद आप डेटा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास कंपनी नेम जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट पर्सन जो है वो मैंडेटरी है। तो कॉन्टैक्ट पर्सन हमने लिख ली है यहाँ पे। सेम यही एड्रेस मैं फॉलो कर लेता हूँ नीचे भी ड्रैग करके, क्योंकि यही एड्रेस है। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। इन सब के लिए मैं 00 करता हूँ कि कोई भी अमाउंट नहीं है, सारे एक्टिव हैं मेरे पास। और सेव्ड आपने 1 नहीं रखना, ये आप याद रखें, आपने यहाँ पे 0 करना है। मैं इन सबको 0, और टाइप जो है मेरे पास ये कस्टमर हो जाएगी। ओके, अब पहले रिकॉर्ड को आप डिलीट कर दें क्योंकि आप वो आपके पास पहले से मौजूद है। अगर आप इंपोर्ट करेंगे भी सही तो वो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि डुप्लीकेट हो जाए, तो फिर तो मसला होगा हमारे लिए। इसलिए आप उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दें क्योंकि वो हम पहले से ही इंसर्ट कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आपने हेड्स जो हैं वो, यानी हेडिंग आपकी जो आ रही है टेबल की, वो डिलीट नहीं करने, ना ही उनमें तरमीम करनी है, कोई किसी किस्म की आपने उसमें चेंज नहीं करना। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हमारी ये टेबल तैयार हो चुकी है, हमारा डेटा भी उसमें मौजूद है। मैं आता हूँ अकाउंट्स के ऊपर, और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इम्पोर्ट के ऊपर, रिकॉर्ड्स हैव बीन इम्पोर्टेड सक्सेसफुली। तो आके हम चेक करते हैं कस्टमर्स में, तो आप देखेंगे हमारे तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपके पास कोई भी लैकुना है तो वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट और अकाउंट टाइप कस्टमर्स, हालांकि मुझे याद आ रहा है कि मैंने कस्टमर्स लिखा था शायद, लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आया। या अगर हम जाके देखें, मैं लिखता हूँ इसमें एक्सेल, हमारी पहली शीट आएगी, तो शीट में हम देख सकते हैं
अच्छा टाइप मैंने नहीं लिखी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप नहीं थी मेरे पास, इसलिए यहाँ पे टाइप मौजूद नहीं है, तो यह मैं फिर मैनुअली करनी पड़ रही है। टेरिटरी भी मैंने नहीं लिखी थी। अच्छा टेरिटरी मौजूद है सर्कुलर रोड, तो यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं आई, अरे क्या आनी चाहिए थी। ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, सेटिंग्स में आके इसे मैं करता हूँ डिलीट बाय कैटेगरी कस्टमर्स, और पासवर्ड देने के बाद मैं डिलीट कर देता हूँ, हमारे ये कस्टमर्स यहाँ से ख़त्म हो गए। मैं अब दोबारा से इसे इंपोर्ट करता हूँ, लेकिन आफ्टर फुलफिलिंग इट्स रिक्वायरमेंट्स, जैसे ईमेल हो गया, टाइप में हमारे पास ये है कस्टमर्स, तो मैं इसे कस्टमर्स कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं करता हूँ 1001, 1002। अब मेरे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ये मेरे पास चीज़ें आ चुकी हैं, और टेरिटरी भी मैंने ऐड की है सर्कुलर रोड में। तो अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और आते हैं हम सेटिंग्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, और अकाउंट्स को चूज़ करने के बाद मैं इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। शायद मैंने टेरिटरी की फील्ड वहाँ पे नहीं रखी और टाइप की भी, इसलिए मेरे पास ये रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो खैर मैं इसे देख लूँगा, ये इशू इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। उस वक्त तक मैं ऐसा करता हूँ, इसे एडिट करता हूँ, क्योंकि हमारी ये कंपलसरी फील्ड है तो हमारे लिए मसला पैदा कर सकती है। मैं जनरल रूट कर देता हूँ अपडेट, ये हमारा पहला रिकॉर्ड। दूसरे पे आते हैं हम, एडिट अपडेट, तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे साथ ही साथ अपडेट होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ एडिट, अपडेट, सॉरी बस ये काफ़ी है, बाकी मैं नहीं करता, बल्कि मैं इन्हें डिलीट ही कर देता हूँ। ये हो गया डिलीट और ये भी हो गया डिलीट। ठीक है ये हमारे कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स आपके तमाम के तमाम यहाँ पे आ जाएंगे जब आप एंटर कर लेंगे, और लास्ट में आपके पास ऑप्शंस हैं, आप न्यू करना चाहें, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, या इस कस्टमर का लेजर आप प्रिंट करते हैं। तो मैं इनमें से किसी भी एक का प्रिंट लेजर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट। तो ये देखें आप, मेरे पास पहले हमारी रिपोर्ट ओपन हुई है और फिर उसके बाद हमारी कमांड भी साथ में आ गई है कि क्या आप प्रिंट निकालना चाहते हैं इस रिपोर्ट का। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं इस कस्टमर के लिए। ठीक है हमारे पास किसी भी कस्टमर की एक्टिविटी नहीं है, इसलिए हमें कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं किया जा रहा। बहरहाल अगर हम कोई एक्टिविटी करेंगे तो हमें वहाँ पे वो सारी की सारी दिखाई देंगी। यहाँ पे हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू है हमारी रिपोर्ट का, और अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे इनटू वेरियस फॉर्मेट्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपना मतलूबा जो भी फॉर्मेट है वो चूज़ करते हुए अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं PDF भी मौजूद है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या RTF जिसे कहते हैं वो भी है, HTML भी होगा, यहाँ पर हम देखते हैं XML है, HTML, ठीक है ये देखें आप, HTML की फाइल भी है, Excel की फाइल भी ये आपकी बन सकती है। तो मैं इसे क्लोज़ करता हूँ और अगर हम एक एक्टिविटी कर लें, हम देख सकते हैं कस्टमर ड्यूज में कोई भी चीज़ हमारे पास पेंडिंग नहीं है। तो अगर मैं एक कस्टमर ऐड करूँ, पहले मैंने कस्टमर्स डिलीट किए थे, शायद आप ये सोच रहे हो कि पहले तो हमने एक कस्टमर ऐड किया था, उसकी हमने अमाउंट भी ऐड की थी, लेकिन वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, 1005, इसका मैं नेम लिखता हूँ, सुहेल दानिश कस्टमर है, जनरल रूट नंबर कोई भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसके मैं 50,000 रुपये लिखता हूँ, आई विल रिसीव, यानी इसका डेबिट होगा, ये हमें पे करेगा। तो मैं इस पे सेव कर देता हूँ, ये हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो गया। अब हम आते हैं कस्टमर ड्यूज़ में, तो आप देखेंगे 50,000 रुपये इस कस्टमर के ड्यूज़ हैं। और अब अगर हम लेजर ओपन करना चाहें कस्टमर्स से, प्रिंट लेजर आज की डेट की एक्टिविटीज़, तो आप देखेंगे हमारे पास ये चीज़ इस तरह से शो हो रही है। आप यहाँ से भी प्रिंट लेजर कर सकते हैं, या अगर आप देखें आपके पास एक अलग से सेक्शन बना हुआ है कस्टमर लेजर का, तो आप यहाँ से भी प्रिंट आउट कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइड योर कस्टमर। जो भी कस्टमर आप स्पेसिफाइड करेंगे, डेट्स आप ऐड करेंगे और आप इसे ओपन कर सकते हैं, ये आपके पास आपका लेजर शो हो जाएगा।
तो अगर एडजस्टमेंट ठीक नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लफ्ज़ यहाँ पे कट रहे हैं, तो आप इसकी सेटिंग कर लेंगे। मैंने पेज सेटअप में इसे लेटर रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसे लेटर कर देता हूँ। ओके, अब आप देखेंगे आपके सारे के सारे लेटर्स या डाटा जो है वो सारे का सारा हमारी रिपोर्ट के ऊपर शो हो रहा है। और बाकी यहाँ पे आपको पेजेस दिखाई जाएंगे, अगर कोई एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो आप उसे मूव कर सकते हैं नेविगेशन बटन के ऊपर। ये हमारा कस्टमर लेजर है जो कि कस्टमर्स के अंदर भी पड़ा है और अलग से यहाँ पे भी मौजूद है। इसी तरह डिटेल लेजर भी आप उसका देख सकते हैं। डिटेल लेजर में आपको इनवाइस नंबर भी दिखाएगा, पेमेंट रिसीट नंबर भी दिखाएगा, उसकी टाइप दिखाएगा कि ये क्या चीज़ हुई थी, डेबिट है, क्रेडिट है, जो भी चीज़ है। तो इस तरह से आपको आसानी होती है कि अगर हम नॉर्मल लेजर निकालते हैं तो उसमें तो आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन दिखाता है, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट डेबिट और बैलेंस। लेकिन यहाँ पे जब आप डिटेल लेजर ओपन करेंगे तो आपको इनवाइस नंबर यानी उसकी सेल जो होगी वो उसका नंबर दिखाएगा, साथ ही साथ अगर आपने कोई पेमेंट उससे वसूल की है तो वो नंबर भी दिखाएगा। तो इस तरह से फिर आप अपने रिकॉर्ड को ट्रेस कर सकते हैं बाय गोइंग रिसीव पेमेंट या जो भी आपकी सेल हिस्ट्री है वगैरह वगैरह। तो अब मैं आता हूँ रिसीव पेमेंट के ऊपर। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रिसीव पेमेंट का, मैं इसमें डेट लिखता हूँ। और अब चूंकि मेरे पास सिर्फ एक सुहेल दानिश है जिसकी अमाउंट है, बाकियों की नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए आमिर सुहेल, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, किसी के ऊपर भी ड्यूज़ नहीं है, तो मैं सुहेल दानिश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं उसकी अमाउंट लिख लेता हूँ। 20,000 रुपये मैंने रिसीव किए हैं, आई हैव रिसीव्ड, ठीक है, आई हैव रिसीव्ड जब मैंने किया है तो ये हमारे पास माइनस में जाएगा, यानी उससे लेस होगा 50,000 रुपये से। और डबल क्लिक करते हुए आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसी तरह आप अपने रिकॉर्ड को सेव कर लेंगे। ये हमारी दूसरी एक्टिविटी हो गई। अब हम कन्फर्म करते हैं सुहेल दानिश के लेजर के अंदर आके ओपन में, तो आप देखेंगे 50,000 रुपये हमारे ओपनिंग बैलेंस थे, हमने अमाउंट रिसीव की है 50,000 रुपये में से 20,000 लेस हुए हैं, तो 30,000 रुपये अब हमारे पास इसका बैलेंस बाकी रहता है जो कि आपको कस्टमर ड्यूज में भी दिखाया जाएगा। आपने रिसीव पेमेंट इसी तरीके से ही करनी है, जितनी भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं और प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं इस रिसीट का। तो ये रिसीट भी यानी आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो तमाम की तमाम आपने पे सेटअप में आके एक दफ़ा लेटर करना है, क्योंकि मैंने एक प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ था ऑफिस में, तो उसमें फोलियो हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, ऑफिशियली काम है, तो इसने उसे पिक कर लिया था, इसलिए मेरे पास ये इशू आ रहा है। बहरहाल ऐसा कोई मसला नहीं है, आप इसे लेटर करते जाएंगे, सॉरी। तो ये हमारी रिसीट है और उसके बाद आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इसी तरह से ही परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम आते हैं, ड्यूज़ हमने देख ली हैं, जितने भी कस्टमर होंगे उनके ड्यूज़ हमारे पास यहाँ पे अगर कोई हैं तो वो यहाँ पे शो होंगे। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर आपने टाइटल यानी अकाउंट नेम के थ्रू करना है सर्च, या एड्रेस के थ्रू, या बाकी जो भी आपके पास स्टेटस वाइज है या ड्यूज़ वाइज है, जो भी आप सर्च करेंगे वो आपके पास सर्च हो जाएगी। पेमेंट हिस्ट्री आप यहाँ पर देखेंगे कि किस कस्टमर से कब आपने कितने पैसे लिए हैं और उसके बाकी कितने उस वक्त पैसे बाकी रहते थे, ठीक है, ये आपके पास पेमेंट हिस्ट्री है। और यहाँ पे आप क्लिक करते हुए न्यू, डिलीट और प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। न्यू के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये फिर वही ऑप्शन आ जाएगा ऐड कस्टमर पेमेंट का जो आप यहाँ पे करते हैं रिसीव पेमेंट, ठीक है। तो दो मुख्तलिफ तरीके हैं, आप पेमेंट जिस तरह भी वसूल करना चाहें कर सकते हैं। फिर कस्टमर का जो टैब है उसी से रिलेटेड हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे अगर हमें तमाम कस्टमर्स देखने हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपनी रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास अकाउंट्स हैं कस्टमर्स के, ये हमारे पास बाय नेम, बाय स्टेटस वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे मौजूद हैं। अगर आप ड्यूज़ देखना चाहते हैं तमाम कस्टमर्स के तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी चूँकि हमारे पास सिर्फ एक ही कस्टमर के ड्यूज़ हैं 30,000 रुपये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, तो सिर्फ यही शो हो रहे हैं। और सेम उसी तरह से ही है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप पेज सेटअप में जाके एक दफ़ा अपना पेज लेटर कर लेंगे तो ये सारी सेटिंग इंशाल्लाह इसकी हो जाएगी, ठीक है जी। ये सारी सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी ये रिपोर्ट प्रिंट आउट हो जाएगी। और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं किसी भी फॉर्मेट में तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए अपना मतलूबा फॉर्मेट चूज़ करके अपनी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारे कस्टमर्स का टैब है। उसके बाद इम्प्लॉयज का टैब है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, सेम वही है, बड़ा सिंपल सा बना हुआ है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ पे मैं एक इम्प्लॉय यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और उसका एड्रेस आ जाएगा। जनरल रूट, मोबाइल नंबर, सैलरी उसकी कितनी है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना है। अब हो सकता है हमने इसे पेमेंट देनी हो या उसने हमें देनी हो, ठीक है, तो वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्टिव, और इसे मैं कर देता हूँ सेव। ये हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो चुका है इम्प्लॉयज के अंदर। और इसी तरह आप इम्प्लॉय का लेजर भी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। मैं जैसे ओपन करता हूँ, 5,000 रुपये इसके ओपनिंग बैलेंस है जो कि बरकरार है हमारे पास यहाँ तक। तो अगर हमें सैलरी पे करनी होगी तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पे सैलरी, और डेट की देने के बाद हम चूज़ करते हैं जो भी हमारा एम्प्लॉय होगा उसके 25,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है, सॉरी सैलरी है। मंथ कौन सा है जिस मंथ के लिए हम सैलरी दे रहे हैं, तो मैं इसे जुलाई करता हूँ, और 5,000 रुपये उसके ड्यूज़ हैं जो हमने उसे पे करने थे, तो ओपनिंग बैलेंस जिसे हम कहते हैं, ये वो हैं, ठीक है। अब मैं इसकी अमाउंट उसे देता हूँ कि मैंने कितनी उसे पेमेंट की है, 30,000 रुपये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30, ठीक है, आई हैव पेड, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। अब अगर हम आए लेजर के अंदर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि 5,000 रुपये उसका क्लोजिंग बैलेंस था जो कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी में आया है सैलरी पेड के अंदर। 25,000 रुपये सैलरी थी, टोटल 30,000 रुपये बने हैं ओपनिंग बैलेंस के साथ, ठीक है, तो 30,000 रुपये हमने पे कर दिए हैं, बैलेंस उसका जीरो आ गया। और इसी तरह से आप फिर मजीद जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, जिस एम्प्लॉय की भी होंगी। तो ड्यूज़ के अंदर आपको ड्यूज़ दिखाई देंगे, यहाँ पे जीरो है, कोई भी ड्यू नहीं है हमारे पास। पेमेंट हिस्ट्री सेम उसी तरह जैसे हम कस्टमर के अंदर देख चुके हैं, यहाँ पे भी सेम है। और फिर हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हम अपने एम्प्लॉय की जो भी हमें रिपोर्ट रिक्वायर्ड होगी वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हुए ओपन कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीन ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद सप्लायर्स में हम आते हैं, सप्लायर्स में भी सेम उसी तरह से हम एक सप्लायर ऐड कर लेते हैं। सप्लायर वन मैं इसे नेम दे देता हूँ, सप्लायर हो गया, एड्रेस इसका है ठीक है, जनरल रूट, नंबर, ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप याद रखें, जो भी आपका कस्टमर है, एम्प्लॉय है या सप्लायर है, अगर आप उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखते तो वो आपको लेजर में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में 0,0 है। अच्छा, सप्लायर के अंदर मौजूद है लेकिन कस्टमर में आपके पास लेजर के अंदर ये चीज़ नहीं आती, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, इसमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि मैंने चूज़ किया है किसे, अकाउंट्स लेजर किसका मैंने ओपन किया है, मोहम्मद दानियाल का, लेकिन फिर भी हमारा रिकॉर्ड नहीं आया, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 0,0 किया था। अलबत्त सप्लायर्स के अंदर शायद मैंने ये ऑप्शन रख दिया है कि उसका बैलेंस हो या ना हो, उसका रिकॉर्ड हमें शो किया जाना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सप्लायर, मोबाइल, उसकी टेरिटरी, उसका एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारा लेजर है, डिटेल लेजर भी आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले कस्टमर के लिए बता चुका हूँ। बाकी रिपोर्ट्स भी सप्लायर से रिलेटेड यहाँ पे मौजूद हैं। हम आते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, और प्रोडक्ट्स में हम ऐड करते हैं कोई भी एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आईडी वन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टेनिस बॉल, और इसमें हमारे पास आइटम क्या है, स्पोर्ट्स, इसको मैं कर देता हूँ स्पोर्ट्स। पैकिंग, अब हमारे पास इस आइटम की पैकिंग है कि एक डब्बे में कितने होते हैं हमारे पास, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक पैक आया है, डब्बा जिसे हम कह लें, एक बॉक्स कह लें, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी है। अब एक पैक हो गया हमारे पास और उसके अंदर मिसाल के तौर पे 10 बॉल्स हैं, टेनिस बॉल, और एक की प्राइस अगर 250 रुपये है तो यूनिट की प्राइस हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हम यूनिट की प्राइस लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 28 करता हूँ, तो हमारे पास पैक की प्राइस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे उसका मैन्युफैक्चरर है कि किसने ये मैन्युफैक्चर की है, इसे मैं छोड़ देता हूँ। सप्लायर जिससे हमने ये वसूल की है, और ओपनिंग क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, कितने पैक पड़े हैं, कितने यूनिट पड़े हैं।
अब अगर पैक आपके पास नहीं है और आपके पास वैसे ही यूनिट पड़े हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, और अगर एक्सपायरेबल कोई प्रोडक्ट है तो आप उसका बैच नंबर, एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरर डेट लिखेंगे और उसके बाद आप उसे सेव कर लेंगे। लेकिन चूंकि इस आइटम के लिए हमारे पास एक्सपायरी और ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसे वैसे ही सेव कर लिया है। हमारे पास यहाँ पे एक इशू आया है, एक एरर है, तो मैं इस एरर को देख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एक छोटा सा एरर है, इसे मैं बाद में देखूंगा। तो ये हमारे पास एक आइटम ऐड हो गया। इसी तरह आप बाकी आइटम्स भी ऐड कर लेंगे जो भी आपके पास होंगे। यहाँ पे आपके आइटम्स आ जाएंगे। अवेलेबल स्टॉक में आप देखेंगे आपको 5 यूनिट उसने दिखाए हैं, पैक नहीं है, जस्ट आपके पास ओपन क्वांटिटी जो है वो पड़ी है 5। तो ये आपका अवेलेबल स्टॉक हो गया। इसी तरह आप प्रोडक्ट लेजर भी देख सकते हैं, जो हम पहले देख चुके हैं, कस्टमर और सप्लायर का लेजर। तो इसमें भी आपके पास लेजर मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी डिटेल के साथ है कि ओपनिंग क्वांटिटी कितनी है। ओपनिंग क्वांटिटी आप देख सकते हैं, यूनिट हमारे पास 5 है, पैक कुछ भी नहीं है। परचेज हमने कितने किए हैं, सेल और परचेज रिटर्न कितने हमने किए हैं, सेल रिटर्न हमारे पास कितनी हुई है और बैलेंस उसका बाकी कितना रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब हम करेंगे तो उसके बाद हमारी ये सारे आइटम्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल हमने चूंकि एक प्रोडक्ट ऐड किया है ओपनिंग क्वांटिटी, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 280 रुपये हमारे पास पैक की प्राइस है, यूनिट की प्राइस 28 रुपये है। तो 5 यूनिट हमारे पास बाकी रहते हैं और ये आइटम का नेम है, आप देख सकते हैं कैटेगरी और फ्रॉम डेट टू डेट, जिस डेट से मैंने, जिस डेट तक ये लेजर ओपन किया है, ये हमारे पास है। साथ ही साथ हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, स्टॉक अवेलेबल वगैरह वगैरह। असल जो हमारा काम शुरू होता है वो इन्वेंट्री के अंदर होता है, कि हम अपने स्टॉक को परचेज करते हैं, सेल करते हैं, या कोई भी चीज़ हमारे पास रिटर्न होती है या हम रिटर्न करते हैं टू द सप्लायर। तो उससे रिलेटेड हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो साथ ही साथ हमारी यहाँ पे होती रहेंगी। मिसाल के तौर पे मैं परचेज कर लेता हूँ एक आइटम, किससे मैं कर रहा हूँ, सप्लायर वन से। हमारे पास चूँकि एक ही सप्लायर है, अगर बाकी होते तो वो भी यहाँ पे मौजूद होते। अगर आपके पास सप्लायर यहाँ पे एनलिस्ट नहीं है तो आप देखें, एडिट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। आप जैसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपना सप्लायर ऐड कर सकते हैं, जो भी दूसरा होगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसी पर ही इतफा करता हूँ। हमारे पास सेल्समैन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर टेरिटरी। अब ये टेरिटरी चूँकि जनरल रूट है, तो इसी जनरल रूट के हिसाब से हमने, आपको याद है, याद होगा कि हमने सप्लायर ऐड किया था, तो उस सप्लायर में हमने उसे रूट बताया था कि उसकी क्या टेरिटरी है, तो हमने जनरल बताया था और इस सेल्समैन को भी हमने जनरल रूट दिया था, तो इसलिए ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आया है। अलबत्त अगर एक से ज़्यादा होंगे तो भी आप उन सब को चूज़ कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट एक ही प्रोडक्ट है मेरे पास, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी 5 मौजूद है। अब चूंकि हम परचेज कर रहे हैं तो मैं इसमें कर देता हूँ कि 5 मज़ीद मैंने ऐड कर ली हैं। आप देखेंगे हमारे पास टोटल यूनिट 10 हो चुके हैं। ठीक है, यूनिट की अमाउंट भी हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है और टोटल अमाउंट भी हमारे पास यहाँ पे 140 रुपये जो है वो कैलकुलेट हो रही है। तो अगर हम कंफर्म कर लें कि क्या वाकई हमारी ये अमाउंट ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 28 के साथ, 140 हमारी अमाउंट बनती है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, और हम यहाँ पे इसे ऐड कर लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट इस तरह से ऐड हो जाएगा। इसी तरह बाकी आइटम्स भी अगर आपने ऐड करने हैं, हो सकता है आपकी परचेज इनवाइस में और भी आइटम्स हों, तो आप इसी तरह से सेलेक्ट करते हुए उन सबको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आइटम्स हमारे पास 1 है, यानी नंबर ऑफ आइटम्स, उसकी क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे कैलकुलेट होगी, आप देख सकते हैं। इनवाइस नॉट सेव्ड का ऑप्शन मौजूद है, जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपको ये मैसेज शो होता रहेगा। और टोटल अमाउंट ये बनती है। अब कोई GST है या डिस्काउंट वगैरह है तो वो आप यहाँ यहीं पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको 50 रुपये डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बनता है। तो ये 90 हमारे पास होना चाहिए था, जो कि रिमेनिंग यहाँ पे मुझे गलत शो कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई अगर इसके ओपनिंग बैलेंस शायद हमने लिखा था कि नहीं, मैं देखता हूँ सप्लायर्स में, सप्लायर ड्यूज। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, उसके बावजूद भी मेरे पास ये अमाउंट ठीक नहीं आ रही,
तो खैर मैं इसे देखता हूँ अभी कि इसमें क्या इशू हो गया है। बहरहाल मैं इसी को आके एडिट करता हूँ, और एडिट करने के बाद आप देखें कि हमारी ये जो इनवाइस है इसमें यहाँ पे भी बैलेंस उसका आना चाहिए था 90 रुपीज़, क्योंकि हमने उससे डिस्काउंट दिया है 50 रुपीज़ का, तो ये उससे लेस हो जाते। ठीक है, बहरहाल इसे हम देखते हैं कि हमारे पास ये चीज़ क्यों आ रही है, और फिर जो है हम यहाँ पे इसे सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है सेव, न्यू, डिलीट, प्रिंट और मैसेज का। तो सेव करने पर हमारी ये इनवाइस सेव हो जाएगी। याद रखें, जब आप इनवाइस सेव कर लेंगे तो उसके बाद आप आइटम्स में एडिशन या एडिटिंग नहीं कर सकते, इसलिए जब आपकी इनवाइस कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही आप सेव करें। देखें, मैं इसे क्लोज करके गया था किसी भी दूसरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, मैं वापस आके भी इस इनवाइस को देख सकता हूँ। तो हमारी ये इनवाइस टेम्परेरीली होती है जब तक कि हम उसे सेव ना कर लें, इसलिए जब आपके आइटम्स आपको कंफर्म हो जाएं कि मैंने ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है, उसके बाद ही आप इसे सेव कर लें। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, हमारा ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है कि हम न्यू इन्वाइस करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे आके न्यू के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये हमारे पास बटन्स हैं जिनकी मदद से हम आगे पीछे जा सकते हैं। तो देखिए, आप आपके पास यहाँ पे ऐड का आइटम जो है ये सॉरी ऐड का बटन डिसेबल है, हम अपना कोई भी रिकॉर्ड अब ऐड नहीं कर सकते। और इसी तरह हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, अगर हमें इनवाइस डिलीट करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। प्रिंट अगर हमें करना है तो हमारी ये इनवाइस इस तरह से शो होगी। पेज सेटअप में आके मैं इसे करता हूँ पेज और लेटर। ओके, ये हमारी इनवाइस है। अच्छा, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, ये आप देख सकते हैं। जीएसटी 90 रुपीज़, ग्रैंड टोटल हमारे पास आ रहा है 50 रुपये, हमारे पास डिस्काउंट आ रहा है, और ये कैलकुलेशन यहाँ पे भी बिल्कुल ठीक है। जस्ट हमारे फॉर्म के ऊपर थोड़ा सा इशू है, तो ये मैं इसे इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ। और उसके बाद हमारे पास मैसेज का ऑप्शन है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा टू आवर कस्टमर, ये जो सप्लायर है उसके मोबाइल नंबर के ऊपर। चूँकि अभी हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, मैंने जस्ट 0 टाइप की थी, तो इसलिए मैं मैसेज सेंड नहीं करता। अलबत्त मैसेज जब आप सेंड करेंगे तो हो जाएगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। आपके मोबाइल से मैसेज सेंड होगा, आपके पैकेज से, और एक छोटा सा मॉड्यूल है वो मैं आपको फराहम करूँगा, उसे इंस्टॉल करने के बाद आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको केबल कनेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। केवल आपका लास्ट ऑप्शन होगा, अगर आपके पास ब्लूटूथ नहीं है, वाईफाई नहीं है, तो फिर आप केबल कनेक्ट करेंगे और आप अपना मैसेज सेंड कर सकेंगे। अलबत्त अगर आपके पास वाईफाई है तो ये बिल्कुल बेस्ट है, ब्लूटूथ भी ठीक है। एक दफ़ा कनेक्टिविटी आपकी होगी, बार बार आपको नहीं करनी पड़ेगी, बस आपका मोबाइल रेंज में होना चाहिए और आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। ये हो गया आपके पास सारी चीज़ें। अलबत्त यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कैश इनवाइस का, कि आप जब क्लिक करेंगे कैश इनवाइस के ऊपर तो ये जो आपकी इनवाइस है ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटू कैश इनवाइस, यानी आपका ये जो ड्यूज़ हैं ये ड्यूज़ नहीं रहेंगे, बल्कि आप ये पेमेंट वसूल कर चुके होंगे। ठीक है, मैं इसे क्लोज करता हूँ, बाद में हम इसे कैश इनवाइस कर लेंगे। फिलहाल मैं आता हूँ सप्लायर्स के अंदर, और यहाँ पे मैं उसका लेजर देखता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ओपनिंग बैलेंस उसका कुछ भी नहीं था। हमने परचेज इनवाइस एक बनाई है जिसमें हमारी अमाउंट 90 रुपीज़ बनते हैं डिस्काउंट काट के, और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है जो कि हमने सप्लायर को पे करना है। इसी तरह चूँकि हमारी एक्टिविटी हुई है प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट को भी हम लेजर में जाके देख लेते हैं कि हमने क्या किया है। इसमें आप देख सकते हैं हमने परचेज किया है, परचेज इनवाइस 5, हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी थी 5, हमने परचेज किए हैं। अब हमारे पास टोटल क्वांटिटी 10 बाकी है। ठीक है, ये आप फिर अवेलेबल स्टॉक में भी देख सकते हैं कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, ये यूनिट 10 हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास एक परचेज इनवाइस का ऑप्शन है। परचेज इनवाइस को हम दोबारा से एडिट करके कैश इनवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बल्कि हमने सॉरी पहले से रिकॉर्ड सेव कर दिया है, तो सेव करने से पहले हम इसे कैश इनवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप याद रखें। इसी तरह काउंटर सेल है, काउंटर सेल में हम क्या करते हैं कि वो एक्टिविटी जो हमारी काउंटर के ऊपर ऊपर होती है, कोई भी अनानिमस पर्सन, थर्ड पर्सन आता है, हमसे कोई चीज़ लेता है, हम उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते, जस्ट हम अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमसे लेस हो जाए, हमने सेल कर दिया है। जैसे मैं आज की डेट लिखता हूँ, काउंटर सेल हमारे पास ऑटोमेटिकली आया हुआ है। अगर आप उसका मोबाइल नंबर लिखते हैं
तो आप लिख लीजिए। अगर आपने मैसेज सेंड करना है अपनी प्रमोशन के लिए तो आप उसका मोबाइल नंबर लिख लें। उसके बाद हम प्रोडक्ट चूज़ करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है उसमें मैं सॉरी पैक तो हमारे पास नहीं है, यूनिट है, तो मैंने यूनिट 2 लिख लिए हैं और उसके बाद मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। हमारा ये प्रोडक्ट ऐड हो गया, बाकी जो हमारा बैलेंस बाकी रहेगा प्रोडक्ट का वो 2 होंगे। और इसे भी सेम हम आके ऑप्शंस में सेव कर देंगे। ठीक है जी, हमारी ये इनवॉइस सेव हो गई। अब इसका चूंकि कोई भी लेजर वगैरह नहीं है, ये तो हमारी काउंटर सेल है, तो इसलिए इसकी एक्टिविटी जस्ट एक प्रोडक्ट की हुई होगी। हम प्रोडक्ट्स में आके इसी प्रोडक्ट का लेजर देख सकते हैं जिसमें हमारे पास 10 ओपनिंग क्वांटिटी थी, 2 यूनिट हमने सेल किए हैं और 8 जो है हमारे पास ये बाकी बैलेंस रह गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो फिर लेजर के अंदर आती जाएंगी। तो ये हमारे पास काउंटर सेल है। इसी तरह सेल इनवाइस, वो इन्वाइसेस जो आप अपने उन कस्टमर्स के बनाते हैं जो जो आपके साथ क्रेडिट की बुनियाद पर चलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ ले जाते हैं बाद में पेमेंट करते हैं, थोड़े दे दिए थोड़े रह गए वगैरह वगैरह, तो ये आपकी इनवाइस होगी। मैं यहाँ पे एक इनवाइस बना लेता हूँ ताकि हमें पिक्चर क्लियर हो सके। अब चूँकि लास्ट रिकॉर्ड का हमारे पास बैलेंस वगैरह मौजूद था तो मैंने इसलिए सुहेल दानिश को चूज़ किया है। अलबत्ता यहाँ पे एक फील्ड हमारे पास ओपनिंग बैलेंस की थी जो शायद मैंने नहीं लगाई, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और इसमें मैं 5 यूनिट सेल कर देता हूँ ऐड। ठीक है, ये हमारी इनवॉइस है, इसमें पैक की क्वांटिटी, ये हमारी यूनिट की क्वांटिटी, ये टोटल अमाउंट, और इसमें आप देखें कि 30,000 रुपये हमारे पास आ रहे हैं टोटल, 140 हमारी टोटल यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये जो हमारी अमाउंट है इसके, और 30,140 हमारी टोटल अमाउंट बनती है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, हम इसे सेव कर सकते हैं न्यू डिलीट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अलबत्त मैं इसे कैश इनवॉइस में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसे कैश इनवॉइस में कन्वर्ट किया है, इसकी जितनी भी अमाउंट हमारी बनती है ये फिर रिसीविंग में चली जाएगी। हम देख सकते हैं कस्टमर्स में सुहेल दानिश को आज की एक्टिविटीज़ में, और ये कैश इनवॉइस है, कैश इनवॉइस में 30,000 रुपये हमारा ओपनिंग बैलेंस था, 140 बनते थे जो कि 140 हमने वसूल किए हैं, तो पीछे हमारे पास ये अमाउंट बाकी रह गई। इसे भी हम कंफर्म करते हैं ताकि हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएं। साथ ही साथ 30,000 था, 140 उससे माइनस हुआ है, सॉरी 30,000 माइनस 140 नतीस 860। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स में आ जाएं, चूँकि हमारे प्रोडक्ट्स की भी एक्टिविटी हुई है, तो लास्ट में हमारे पास है सेल इनवॉइस। सेल इनवॉइस में 5 सेल हुए तो बाकी हमारे पास 3 रह गए। इन 3 को हम कंफर्म कर सकते हैं अवेलेबल क्वांटिटी में, तो ये आप देखेंगे 3 हमारे पास यूनिट मौजूद हैं। ठीक है, और अवेलेबल स्टॉक में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, अगर आप अपने आइटम्स को रिटर्न करते हैं, खुद करते हैं टू योर सप्लायर या वेंडर, या कोई बंदा आके आपको वापस कर जाता है, तो वो आपके पास यहाँ पे आइटम्स आपके पास बटन्स मौजूद हैं। मैं परचेज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो रिटर्न है ये मैं परफॉर्म करूँ। इनवॉइस नंबर 1 मैं करता हूँ। ठीक है, मैंने एक इनवॉइस बनाई थी परचेज़ इनवॉइस, और ये अगर मैं ऑप्शन चूज़ करता हूँ इनवॉइस नंबर का, तो वो मुझसे कहता है कि क्या आप पूरे का पूरा रिकॉर्ड वापस करना चाहते हैं। हमारे पास एक ही रिकॉर्ड था, एक ही प्रोडक्ट था, तो इसलिए मैं इसे यस कर देता हूँ। अगर आपके पास एक से ज़्यादा आइटम्स हैं और उनमें से कुछ की रिटर्न हुई है तो आप इसे नो करेंगे। ठीक है, चूंकि मेरे पास इसमें सारे के सारी आइटम्स थे तो इसलिए मैंने इसे यस कर दिया है। ये हमारे पास आइटम्स आ गए और हम इसे फिर जो है ऑप्शंस में आके सेव कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास छोटा सा इशू है, बहरहाल मैं इसे देख लूँगा। तो ये हमारी इनवॉइस, हमारी परचेज इनवॉइस हो जाएगी जो कि फिर हमारे लेजर में आएगी, सप्लायर के लेजर में और प्रोडक्ट्स में, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगी अभी क्योंकि उसमें, अच्छा यहाँ पे आई हुई है, देखें परचेज इनवॉइस रिटर्न नंबर 1, 90 रुपये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस थे जो कि हमारे पास वापस हो चुके हैं और हमारे पास कोई भी इसका
ड्यू नहीं है, हम इसे कोई भी चीज़ पे करने के मजाज नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स में शायद फिर इशू हो क्योंकि उसने एक रिकॉर्ड डिलीट करने से इनकार किया था, हमारे पास ये एरर आया था। तो इसमें हम देख लेते हैं, सेल इनवॉइस के बाद परचेज रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, जो कि मैंने अभी अभी एक्टिविटी की है, और उसमें हमारा जो आइटम था एक ही था, तो वो रिटर्न होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे आएगा परचेज रिटर्न में। इसलिए इस एरर को मैं देखता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास परचेज रिटर्न है। सेल रिटर्न भी इसी तरह से ही हमारे पास ऑप्शन है, हम अगर कोई भी इनवॉइस नंबर चूज करेंगे तो हमारी तमाम क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और अगर हम मैनुअली करना चाहते हैं तो हम इसे नो करेंगे। फिलहाल मैं यस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही रिकॉर्ड था, एक ही रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसमें भी ऑप्शंस के अंदर हम सेव कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी एक्टिविटी हुई है किससे, सुहेल दानिश से, और प्रोडक्ट है टेनिस बॉल। तो मैं आता हूँ पहले तो कस्टमर्स में, सुहेल दानिश का लेजर, इसमें आप देखेंगे रिटर्न सेल इनवॉइस नंबर 1, टोटल अमाउंट हमारी ये बनती थी जो कि ओपनिंग बैलेंस में आई है। ठीक है, उसमें से हमारे पास ये सारे की सारी लेस हो चुकी है अमाउंट, और पीछे उसका 140 रुपये बाकी रहता है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट्स में देखें उसका लेजर, तो यहाँ पे सेल रिटर्न ये 5 आइटम हुए हैं, और टोटल क्वांटिटी हमारे पास 8 अब आ चुकी है। इसमें एक एक्टिविटी नहीं है परचेज रिटर्न की, इसलिए ये क्वांटिटी ठीक नहीं है, जो कि हमें कंफर्म करनी होगी आफ्टर पेरूजिंग आवर एरर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। इसी तरह आप रिपोर्ट्स ओपन कर सकते हैं, प्रोडक्ट लेजर जो कि हम पहले देख चुके हैं, परचेज इनवाइस, परचेज रिटर्न, सेल इनवाइस, सेल रिटर्न, स्टॉक अवेलेबल, सेल एंड स्टॉक स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पे आप परचेज इनवाइस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सारी की सारी इनवाइस यहाँ पे दिखाई जाएंगी, आप जस्ट उसका नंबर टाइप करेंगे और आप ओपन कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले चूज़ करता हूँ, मैंने चूज़ नहीं किया, मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और ओपन कर देता हूँ। तो इसमें वो कहता था रिपोर्ट नेम, अच्छा ये भी एक एरर है, इसे भी हम देखते हैं इंशाल्लाह। परचेज रिटर्न, ये भी एरर है, बाकी भी सारे एरर होंगे इसका मतलब है। ठीक है, ये सारे के सारे एरर ही हैं, पर मैं इन्हें देख लेता हूँ। सेल एंड स्टॉक स्टेटमेंट अगर हम देखना चाहें, सेल एंड स्टॉक आज की डेट में ये ओपन हो रही है, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें टेनिस बॉल 5 हमारे पास ओपनिंग क्वांटिटी थे, परचेज 5 किए हैं, सेल 7 किए हैं, 5 रिटर्न हुए, टोटल हमारी 8 क्वांटिटी बाकी रहती है, जो कि अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स ठीक है, लेकिन एक एक्टिविटी हमारी इसमें ऐड नहीं हुई, तो वो हो जाएगी, तो ये बाकी सारी चीज़ें भी हमारी दुरुस्त हो जाएंगी। सेल रिपोर्ट्स में हम आते हैं, सेल रिपोर्ट्स में आप ओपन कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, सेल बाय कस्टमर, किस कस्टमर की सेल आप ओपन करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। सेल बाय कस्टमर, अच्छा इसकी एक्टिविटीज़ नहीं आ रही, और ये अगर हम देखें एक एरर भी है, इसे मैं छोड़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं प्रोडक्ट्स के हिसाब से हम देखते हैं, इसमें भी हमारी नहीं आ रही है, क्या मसला है। 30/6/2024 अगर मैं इसमें करूँ 29/6, ठीक है ये भी मुझे देखने होंगे, शायद ये एरर बाकी रह चुके हैं। जी ये एरर्स हमारे पास मौजूद हैं सेल्स रिपोर्ट के अंदर। तो ये करने के बाद फिर मैं आता हूँ अकाउंट्स में, अकाउंट्स में हमारे पास ऑप्शन है एक्सपेंस का। ठीक है, आपने रिसीव पेमेंट की थी कस्टमर से तो वो आपके पास यहाँ पे आई है। सप्लायर्स में हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं है, अगर हम पे टू सप्लायर करेंगे तो वो भी हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंस में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। उसके अलावा भी अगर आप एक्सपेंस की एंट्रीज करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, न्यू का ऑप्शन है, और मैं यहाँ पे करता हूँ 1, डेट आज की। अब मिसाल के तौर पे चाय मंगाई है तो उसके पैसे आप यहाँ पे टाइप करेंगे, आई हैव पेड, और ये हमारे पास हेड है कि किस हेड के तहत आपने ये दिए हैं। तो हेड्स आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर, फिलहाल मैं इसे आरजी तौर पे अकाउंट्स पे एबल कर देता हूँ और इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे टी ऐड हो गई और ये रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पे डेबिट में मौजूद है 450 रुपये। ठीक है, ये प्रिंट लेजर,
प्रिंट लेजर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये मुझे रिमूव करना होगा। बाकी न्यू एडिट और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ये आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये एडिट का ऑप्शन है, आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लेंगे। ये डिलीट है और ये न्यू है। ठीक है जी, ये हो गया। और उसके बाद हमारे पास बैंक की एंट्री है, बैंक से रिलेटेड जो भी आपके आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ, आज की डेट HBL नंबर, अकाउंट नंबर हो गया, ब्रांच है, अकाउंट टाइटल, और उसके बाद हम अपनी ट्रांजैक्शंस जितनी भी होंगी वो यहाँ पे ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अमाउंट डिपॉजिट कराई है, कितनी कराई है, 50,000 रुपये, और इसे मैं ऐड कर देता हूँ। अब अगर अगली एक्टिविटी हमारी होगी आज की डेट की मिसाल के तौर पे है अमाउंट विदड्रॉन, तो अब देखें 50,000 रुपये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, उसमें से मैंने 20,000 रुपये विदड्रॉ कराए हैं और मैं इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगली दफ़ा जब हम एंट्री करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 30,000 रुपये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। ऑप्शंस में आके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं अपनी जो स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अमाउंट 20,000 रुपये हमारी लेस होनी चाहिए थी, जो कि स्टेटमेंट में ठीक नहीं आ रही, और ये फार्मूला भी यहाँ पे मेरा गलत है, 70,000 रुपये नहीं होते। ठीक है, विड्रॉ में डेबिट, तो ये हमारे पास 30,000 रुपये बाकी रहते थे। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास यहाँ पे ठीक है, ये देखिए आप ऊपर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ठीक है, डेबिट गलत है और क्रेडिट भी गलत है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हमारे पास 50,000, ये भी ठीक है। तो ये मैं चेक करता हूँ, इसमें भी छोटा सा इशू है एक। और फिर अब आपके पास जनरल अकाउंट्स हैं, जनरल अकाउंट्स में आप वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं उस कस्टमर की, उस फ्रेंड की, जिससे आप अपनी अपने सेटअप से हट के लेन देन कर रहे हैं। किसी को आपने पैसे दिए, किसी किसी से आपने लिए, तो उन सब का हिसाब किताब आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, जनरल अकाउंट्स इसका नेम दिया गया है। एक्सपेंस हेड्स में आप यहाँ पे एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था। आप इसमें लंच, ब्रेकफास्ट और ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपने करनी हो। कंपनी के एसेट्स यानी आपकी कंपनी जिसका आपने नाम लिखा है कौमी स्पोर्ट्स, उसकी उसके जो एसेट्स हैं, डिटेल में आप टाइप करेंगे जो भी चीज़ आपने करनी है। आज की डेट में मैं ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे चेयर्स हैं, फर्नीचर में कितनी क्वांटिटी है, 10 है, उसकी अमाउंट कितनी बनती है, कोई भी अमाउंट आप लिखेंगे, उनकी कंडीशन क्या है, न्यू है, नॉर्मल, ओल्ड, और अगर डिस्पोज ऑफ हुए हैं तो आपने यस करना है। और इसी तरह आप बाकी आइटम्स भी यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, और ऑप्शंस में आके आप यहाँ पे उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं अपने एसेट्स का। ठीक है, ये आपके एसेट्स होंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गई, कौन सा बैंक है वो आप चूज करेंगे और आप अपनी रिपोर्ट ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेल एंड स्टॉक स्टेटमेंट, इसमें भी आप डेट्स ऐड करेंगे, और मैं आपको पहले ही ये चीज़ दिखा चुका हूँ। उसके बाद कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। ठीक है जी, ये सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं। लास्ट हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग्स का। सेटिंग्स के अंदर हमारी टेरिटरीज जो कि यहाँ पे नज़र आ रही हैं, फिर विलेजेस हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस बटन के ऊपर कौन सा फंक्शन आप अपने यूज़र को ग्रांट करते हैं, उसे एक्सेस देते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू आवर टैब्स है। देखें, कस्टमर, तो कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और ये एम्प्लॉयज़, सप्लायर, सप्लायर वगैरह वगैरह, तो इनमें से आप आके कोई भी एक्शन ग्रांट करना चाहें, एक्सेस ग्रांट करना चाहें किसी भी एक्शन की, तो वो आप चेक और अनचेक के थ्रू कर सकते हैं। ये आपका बैकअप है, बैकअप में आपके पास डी ड्राइव का होना ज़रूरी है, और जब भी आप बैकअप बनाएं, प्रोसीड करने के बाद आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, बल्कि आपने थोड़ा सा वेट करना है और आपका बैकअप तैयार हो जाएगा, अनलेस अनटिल आपको एक मैसेज शो नहीं किया जाता। मैसेज आपके पास शो होगा कि आपका बैकअप तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, बैकअप हमारा क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बैकअप हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, और हमारी लोकेशन भी ओपन हो जाएगी जिसमें हमारा ये बैकअप मौजूद है आज की डेट का।
ठीक है, फिर आपके पास रिपोर्ट्स हैं, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे फ्राम की गई हैं। आप कोई भी रिपोर्ट सेलेक्ट करके ओपन करें, प्रिंट, ठीक है, फ्रॉम डेट टू डेट, किस डेट से किस डेट तक आप ओपन करना चाहते हैं, एम्प्लॉयज़ बाय डिजिग्नेशन है, ठीक है, प्रिंट एक्सपोर्ट और प्रिंट प्रीव्यू, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। कंपनी प्रोफाइल हम पहले से बना चुके हैं, अकाउंट टाइप्स भी आसान है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था, ट्रैकिंग का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है कि जो भी एक्टिविटी हमारी हुई है वो कैसे कैसे हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसने लॉग इन किया है, किसने लॉग आउट किया है। तो अभी मैंने लॉग इन किया है 8:21 पर एडमिन टू के अकाउंट से, शेरुल हसन के नाम से, और जब मैं इसे लॉग आउट कर दूंगा तो ये हमारी रिपोर्ट यहाँ पे तैयार होती रहेगी, साथ साथ प्रिंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और क्लियर अगर हमें करना हो। ये 30 की डेट की एक्टिविटीज़ थी, अगर मैं यहाँ पे 29 से 30 कर दूँ तो आप देखेंगे ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारे पास यहाँ पे शो हो रही हैं, और ये अगर आप क्लियर करते हैं, क्लियर हिस्ट्री, यस, और आपके ये सारे लॉग कैंसिल हो जाएंगे। बाकी यूज़र्स हैं, आप यहाँ पे न्यू यूज़र क्रिएट करना चाहें, अच्छा ये रिपोर्ट मेरे पास पहले से एक्सपोर्ट ठहरी हुई थी, तो न्यू यूज़र अगर आपने क्रिएट करना है तो आप सॉरी मेरे पास है पासवर्ड, ये न्यू यूज़र आपने करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तमाम यूज़र्स देखने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, पासवर्ड अगर आपने रिकवर करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना यूज़र सेलेक्ट करके आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन लिखना होगा और रिकवर माई पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना होगा। मेरे पास यहाँ पे ये चूज़ करता हूँ 1 2 3 4 और रिकवर माई पासवर्ड, एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हमारे पास है फॉरगेट पासवर्ड। डिलीट ऑल डाटा, आपने पूरी की पूरी डाटाबेस को अगर रीसेट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपने कैटेगरी वाइज अपने रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं, जैसे कि बैंक रिकॉर्ड्स हो गए, काउंटर सेल्स हो गई, कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स आपने ख़त्म करने हैं, इम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड वगैरह वगैरह, तो मैं आपको कस्टमर के रिकॉर्ड्स डिलीट करके कन्फर्म करा देता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड्स हैव बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। कस्टमर में हम आते हैं, कस्टमर्स हमारे पास कोई भी एक भी नहीं है, इसी तरह उसका लेजर भी नहीं होगा, उसकी पेमेंट हिस्ट्री भी नहीं होगी, बाकी भी कोई चीज़ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी क्योंकि हमने कस्टमर्स बिल्कुल डिलीट कर दिए हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, आप डिलीट बाय कैटेगरी करें अगर आप करना चाहते हैं, या पूरी की पूरी डेटाबेस आप रीसेट करते हैं तो आपने डिलीट ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये काविश अच्छी लगी होगी, और कोई भी अगर आप मुझे बेहतरी के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं तो मैं आपको वेलकम कहूँगा, इसी तरह अगर आप अपनी सजेशन देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मुझे कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपने पहले से परचेज़ किया हुआ है और आपके पास एरर्स आ रहे हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर दूंगा। इसी तरह अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया और करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और लास्ट आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।